Oh, come on. It's okay. It's all good. It's all good. Hi, Divyanka. How are you? हमें थोड़ा सा लग गया था. हमें लगा था कि मे बी शी हैज फॉरगॉटन, बट हमने अपनी बातें चालू कर दी. सॉरी, हमने तभी अपनी बातें शुरू कर दी. सिंस यू वर ऑफ कोर्स यू वर नॉट अवेयर कि 6 बजे लाइव है, तो हमने व्यूअर्स के साथ अपनी बातें शुरू कर दी. वी वर वेटिंग फॉर यू, बट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर बैक. ऑफ कोर्स नॉट, ऑफ कोर्स नॉट. How are you, Divyanka? And how has it been? How has it been? Like ये क्वारंटीन के समय में कैसा है, कैसे हो आप? बहुत बिजी हूँ. मैं भी ये बहुत बिजी थी. अमेजिंग. मैं ये भूल गई कि मेरा आप लोगों के साथ में एक लाइव था. आई रियली वंडर दुनिया में कौन लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास कुछ काम नहीं है करने को. आप अपने हस्बैंड को हेयर कट दे चुके हो, दैट वी नो. वो हमें इंस्टाग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, बट अदरवाइज हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ ऑक्यूपाइड दीस डेज? देयर इज सो मच टू डू यार, सीरियसली. लाइक घर का रख रखाव इन अ टिपिकल लैंग्वेज, यस ऑफ कोर्स, भाषा वो तो चलता ही रहता है. साथ में देयर इज सो मच टू डू ऑन सोशल मीडिया. For an actor especially, there are so many interviews lined up at all times. Then, of course, of course. Moral and social responsibilities हमारे सर पे होती हैं कि अलग अलग लोगों ने वीडियोज बनाने के लिए बोला होता है. बहुत सारे 100%. लाइक ऑफ कोर्स आपके जो खास दोस्त हैं आप उनके लिए बना रहे हो, फिर कुछ किसी ने कोई नया डोनेशन ड्राइव शुरू किया है तो आप उनकी हेल्प के लिए आप कुछ कर रहे हो. फिर इंटरेस्टिंग फिल्म दैट वी आर वर्किंग ऑन, अ कोरोना बेस्ड फिल्म फॉर टेलीविजन. ओह नाइस, सो इट्स अ गुड वन. आई होप इट टर्न्स आउट फाइन. अब बहुत ही मुश्किल सा टास्क ये मिला हुआ है पूरी टीवी इंडस्ट्री को. सो इफ इट टर्न्स आउट वेल, तो आप लोग के सामने कुछ नया प्रोडक्ट भी आएगा. I'm really happy कि you know just when you were even speaking about all of these things, like you know मुझे लगता है कि हम of course it's been some time कि अब हम quarantine की वजह से lockdown की वजह से घर पर हैं, but the fact that you actually began talking about it with so much positivity कि भाई ठीक है, मतलब I'm really like engaged, मैंने अपने आप को busy रखा हुआ है. of course professional you know priorities that you have to keep intact कि भाई आपको interviews देनी है, you have videos lined up, which is amazing. I'm sure, guys, agar aap Divyanka ko miss kar rahe the, there might be something that she's coming up with, a movie. I don't know about Corona, so please wait for it. But on another note, like, I feel like even agar aapke Instagram feed ko check karo, it's just so much fun. It's so much like you are, of course, understanding ki aapki responsibility as a celebrity ki aap, you know, you're putting out videos to ask people for donating during this quarantine. You're giving your husband haircuts, you're making paneer ki bhurjiyan. Matlab hame to khane ko mil nahi rahi hai. But tell me. For this haircut, but tell me. Goes to Vivek Dahiya that he took that. You can. Presentable dekh sakta tha mera husband, but he. Really hello. I think we lost him. Goes to him. Mere ko आप उनको तो क्या था, आप उनको तो बस नया ट्रायल एक्सपेरिमेंट करने का मन था एंड इट वर्कड आउट रियली वेल फॉर मी. एंड हाउ वाज द पनीर की भुर्जी दैट यू कुक्ड? सो ये सब ना आउट ऑफ डेस्परेशन हो रहा है लाइफ में. आई एम नॉट मच ऑफ अ कुक, मुझे मजा भी नहीं आता ज्यादा कुकिंग में. पहला मेरा ऐसा अटेम्प्ट कुकिंग था कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला के साथ, व्हेन आई प्लेड द कैरेक्टर ऑफ नित्या. ओह नाइस. और उत्तम सीखा था चॉपिंग कटिंग. So now I'm proud of the fact that I can chop and cut really well, like khacha 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 style. Amazing. like a chef. नहीं आई है थोड़ी, लेकिन precision बहुत है अभी. So I show off this hunar in front of my hubby कि देखो देखो मैंने कितना अच्छा काटा. But tell me, Divyanka. I want to know, मुझे लगता है कि आप और आपके husband दोनों हर time busy रहते हो. Like इससे पहले भी if we go through your Instagram, you're constantly working. किसी ना किसी प्रोजेक्ट में आप दोनों अपने आप को इन्वॉल्व रखते हो, काम में बिजी रहते हो. नाउ दैट इट्स अ लॉकडाउन और आप दोनों को बहुत ज्यादा टाइम मिल गया है टू स्पेंड टुगेदर, तो कैसा डायनामिक्स है? बहुत इंजॉय कर रहे हो ईच अदर्स कंपनी की? लड़ाइयां भी हो रही हैं और घर में से ये भी हो रहा है कि तुम खाना कब बनाओगे, मैं बर्तन धोऊंगी, तुम झाड़ू पोछा लगाओगी, यू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स. व्हाट इज द सीन लाइक इन योर हाउस? शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हे भगवान नजर ना लगे. द मोमेंट हम लोग टचवुड एवरीबॉडी टचवुड, लेकिन ये हमारे साथ होता है. लोग कहते हैं नजर लगना वगैरह इट्स वेरी सुपरस्टिशियस पुराने जमाने का, पर पता नहीं. बट हां, आई एम सॉरी, मैं साथ साथ में कॉफी भी बना रही हूँ, मेरी फेवरेट वाली. दैट इज अमेजिंग. हम देख रहे हैं प्रोसेस, यू हैव बीन टेकिंग योर मग्स.
and aap apni coffee bana rahe ho. Great, awesome. We love these natural organic lives. Awesome. I was telling you ki thankfully हाँ मतलब तो हाँ हमें पहले superstition की बात कर रही थी कि ऐसा कुछ होता है कि हम दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं और next day कुछ छोटा मोटा सा हो जाता है and then we are like नजर लगी शायद नजर लगी है नजर लग गई you know actually you know what even I sometimes used to think कि पता नहीं नजर लगती है कि नहीं लगती है but I have also realized this coincidentally जिस दिन मेरे को ना जैसे मेरे mom कह रहे थे किसी दिन के you know तू आज बहुत अच्छा लग रहा है अगले दिन मैं बीमार हो जाऊंगा तो मम्मा को लगता है मेरी नजर लग गई है देखो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए काला टीका लगा देना चाहिए सो आई डोंट नो इफ दिस इज ट्रू और नॉट दैट्स अ टिपिकल इंडियन थिंग आई नो तो मेरे को लगता है कि अब पता नहीं होता कि नहीं होता है बट प्रिकॉशन इज बेटर देन यू नो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर तो ठीक है यार ज्यादा तारीफ मत करो काला टीका लगा लो टच वुड कर लो इट्स ऑल गुड नजर ना लगे हाँ मेरे मामा भी कहते हैं थू 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 हमने ज्यादा तारीफ करनी नहीं है Of course. She was very excited. She watches all of the daily soaps that you've been a part of. So she, when I told her, so honestly, my mom was like, really? Like, check again. I said, of course. You can see ye in his interview. She's like, so great. Sweet, achha, yeah. Achha question poochna. But Divyanka, tell me, like you were also answering. So ab, of course, aapne kaha ki hum ek dusre ke saath rehte hain. Shukr ki baat hai ki koi ladaiyan vagaira nahi hoti. But aapne koi roles divide kar liye ki You know, because like you said, कि मैं खाना मुझे बनाने का इतना शौक है. So does he cook food or do you have house help? इस वक्त में कि जॉब को थोड़ा खाने में मदद करना है. We have somebody at home. Okay. To be truthful, she ended up last minute. Like हम लोग का घर अभी ही बना था और हम लोग Which looks very beautiful. हमें थोड़े-थोड़े glimpses मिल रहे हैं. Thank you. और हम लोग बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे थे एक house help की and she's a Marathi woman who can't speak in Hindi at all. तो थोड़ा इशारों में बातें हो जाती है. But that's good enough for us. दाल बनानी है. तो वो सब आमतौर पे me and Vivek we end up doing दाल बनाने का काम. But थोड़ा बहुत हो जाए we are okay with that. And then she's elderly. तो एक थोड़ा you know एक respectful कोई है हमारे. एक respect भी है for sure. We are in control thankfully. Amazing. Also, you know, Divyanka, when I see you, I feel like, you know, मुझे लगता है कि आपने जिस हिसाब से अपने करियर को लिया है ना, it's के, you know, आप, you have been this loved person in every Indian household. That is number one. But it's also like you have taken your social media game to another level with a massive Instagram following, Divyanka. Tell me, आप Instagram को कैसे परसीव करते हो आप उसको एज अ फन एक्टिविटी समझते हो कि भाई ठीक है इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब मैं फन यू नो व्हाटएवर ऑर्गेनिकली कम्स मैं उसको इंस्टाग्राम पर डाल देती हूँ या यू रियली टेक इट सीरियसली कि नहीं आई हैव टू पोस्ट एवरी डे ऐसा नहीं है टेल मी अबाउट इट थैंकफुली आई डोंट टेक इट वेरी सीरियसली आई स्टार्टेड आल्सो बिकॉज़ अ फ्रेंड ही पॉइंटेड आउट कि यार ये क्या है तू इंस्टाग्राम पे नहीं है पूरी दुनिया है दिस वाज इन 2013 व्हेन मोहब्बतें स्टार्टेड ओह नाइस सो यस आई वाज लाइक मैं तब बिल्कुल सोशल मीडिया पे नहीं थी तब तक तो फेसबुक और ट्विटर से मैं भाग चुकी थी तब तक में बिकॉज ट्विटर इज अ वॉरलैंड यस क्या खाते हैं लोग ट्विटर पे यार आई डोंट नो ट्विटर पे लोग कुछ थोड़े से अग्रेसिव हैं आई एम श्योर कि ट्विटर की पूरी जनता थोड़ी अग्रेसिव है आई नो आई गेट इट ऐसा क्या धरती पे हमारे देश में लोग तो वही के वही हैं तो ट्विटर पे लोग तो वही के वही हो जाता है इन लोगों में आई अंडरस्टैंड आई एग्री यस सो कमिंग बैक टू द पॉइंट मैं इंस्टाग्राम मैंने इसीलिए बस फन में मैंने शुरू किया था और जो दिल में आता था जो अच्छा लगता था या कभी कभी कुछ इंटेंस फीलिंग आती थी किसी प्रॉब्लम को लेके वो डाल देती थी हमेशा अभी भी मेरा वैसे ही चल रहा है कई बार होता है मैं तीन तीन चार चार दिनों तक तो कुछ पोस्ट नहीं करती हूँ मैं डिटॉक्स मोड में चली जाती हूँ आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट हाँ और जब भी मैंने इसको लिया है ना सीरियसली मुझे शॉक हो जाता है क्योंकि मैंने जैसे जब जब भी ऐसे सोचा कि यार मुझे ना जल्दी से बूस्ट अप करने अपने नंबर एक पोस्ट डाल देती हूँ हाँ, बिल्कुल और मैं इनसाइट पे जाके देखती हूँ मेरे कम से कम 400-500 लोग कम हो जाते हैं आई थिंक एज लॉन्ग एज यू हैव फन लोगों को भी वो दिख जाता है कि यू नो यू आर हैविंग फन तो मुझे लगता है लोग भी उस चीज को बहुत अप्रिशिएट करते हैं बट आई थिंक हैविंग सेड दैट मैं भी आपकी फीड पे यू नो whenever I go to your feed नीचे तक भी I see के there is a very well balance अब चाहे वो you know मुझे लगता है वो ऐसे subconsciously हो गया है कि
of course, there are fun videos, there are extremely good looking pictures, photo shoot pictures, there are random selfies also taken from your phone with for your husband, with your husband. Fir aapke ise paneer bhurji type photo wo bhi hai. So I'm really happy to see ki it's not a fabricated, jaise banaya hua Instagram nahi hai. Jab aap Divyanka ki ko dekhte ho, abhi main aapse baat kar raha hu, mujhe lagta hai ki she's also this fun loving person jo Instagram pe bhi aapki post mein dekhne ko mil jata hai. I think that is very refreshing. Also tell me since your husband is also into the same industry, how is it like? Because mujhe lagta hai ki, you know, when you got married, you were also, you know, both of you were at the peak of your careers, and two people getting married, mujhe lagta hai ki, you know, and of course this question main acche se explain bhi karna chahta hu ki, you know, bahut baar aisa hota hai ki, you know, people are like, no, hum marriage abhi nahi karna chahte, we are into the entertainment industry, especially you, every household people hamare, you know, you are the favorite of everyone, suddenly getting married, a was marriage a difficult decision ki nahi abhi karna chahiye nahi karna chahiye, and secondly marrying to the person who's also from the same industry, how are the dynamics in that, because understanding ek dusre ke kaam ke liye ke kya hai, isse na kismat kehte hain, aur ek hota hai leap of faith. So Vivek, yes. I think we both did not want to get married to an actor. हम दोनों का ऐसा एक एक फेज था जब हम दोनों चाह रहे थे कि एक्टर नहीं चाहिए, बस एक्टर से नहीं, पूरा विश्वास हम दोनों का उठ चुका था. और विवेक और मैं दोनों ही, हम अरेंज्ड सेटअप तो कभी सोच भी नहीं सकते थे, एंड समहाउ वी बोथ वर अरेंज्ड टुगेदर, एंड हम दोनों के मन में कोई थॉट नहीं था एक दूसरे को लेके, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव, एंड वी जस्ट मेट फॉर अ कॉफी एंड थिंग्स clicked. You know, there's, वो कहते ना एक freak, wow. match हुई, spark हुआ, that moment, and it told us, like वो एक मुलाकात में हम लोग, मुलाकात ऐसे हम लोग पहले कई बार काम कर चुके थे साथ में, but बिना उस thought के, लेकिन जब वो marriage, but बिना किसी romantic angle से, किसी date पर गया, किसी coffee पर गया, उसके angle के बिना भी मिले, amazing, but जब उस angle के साथ मिले ना, हमें एक coffee date में पता था कि this is it. और आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि आपको वो एक म्यूचुअल फीलिंग आए. कई बार ये होता है एक बंदा बहुत अट्रैक्टेड होता है, दूसरा नहीं होता है, देयर्स दिस इंबैलेंस, और आप कोशिश करते रहते हो कि अब ठीक हो जाए, अब ठीक हो जाए, पर जब वो एक तरफा कोशिश होती है ना, तो मुश्किलें आती है, मुझे लगता है. अगर आप इक्वली डीपली इन्वॉल्व्ड हो, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ प्लंज. देयर्स नो अदर ब्यूटिफुल फीलिंग than being with someone you love, hum dono and being somebody with somebody who you feel is right in your heart, like it feels right, somebody you would like to be quarantined with forever. Amazing. That is the line for today. But guys, if you're watching this, aapka koi girlfriend boyfriend hai, if you can really imagine your life ki hum quarantine mein unke sath time vyatit kar sakte, that means that's the one. Amazing. Amazing. Aapne sawal pucha tha ki kya humne apni koi duties divide ki hai, hame verbal divisions karne ki kabhi zarurat hi nahi padi. कई बार होता है जब विवेक बोलते यार वो पानी ले आना, पानी पास करना, आई वुड डू इट. अरे बेबी यार लगी वो पनीर कर देना, आई वुड डू इट. एंड कभी ऐसा होता है कि मैं बड़ी थकी हूँ, तो ही वुड हिमसेल्फ गेट अप एंड अच्छा पनीर खाओगी, मैं कर देता हूँ, ये पियोगी, मैं कर देता हूँ, तुमने आज काढ़ा नहीं पिया, तुमने आज ये नहीं किया, सो ही वुड इक्वल केयर ऑफ मी. एंड तो एक अपने आप हम सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में है, हम दोनों अपने आप ही समझ जाते कि अभी मेरी बारी है, नाउ आई हैव टू डू, अनकही अंडरस्टैंडिंग, एक अनकही अंडरस्टैंडिंग, सो यू डोंट हैव टू, दैट इज ब्यूटीफुल. टच वुड, अगेन टच वुड कर लो, हर जगह टच वुड कर लो. अमेजिंग अमेजिंग. ऑल्सो Divyanka, टेल मी, यू नो इट्स सो ऑफ कोर्स नाइस टू हियर ऑल ऑफ द डिटेल्स, बट आई वांट टू नो एज एन एक्टर जो कि यू नो like I said, you are in every household on a TV set. People admire you, people love you, people love both of your jodi also. How much do you think, as a public person, as a celebrity, aap apne life ki details dena chahte ho? When do you decide ki bhai itna to hum share kar sakte hain social media pe, aur itni baat hum bata sakte hain, but iske baad social media pe kuch nahi bahar aayega, because then that is personal. How do you decide that? पता नहीं, एक इनर कॉल होता है इसमें. कभी कभी मेरे और विवेक के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, बिकॉज विवेक इज स्लाइटली मोर प्राइवेट देन आई एम. मुझे, मैं तो सब शेयर कर लेती हूँ, बस ये होता है कि टॉक्स नहीं होते मेरे बाहर, दैट इज वेयर आई ड्रॉ द लाइन. वरना मैं, आई एम ओके विद डिस्कसिंग अबाउट माई सेल्फ, अबाउट हाउ आई फील,
my liking, my likes, dislikes, whatever. But Vivek ka thoda sa, he's slightly slightly private. More private than me. So when he's there with me in the same frame, to main thoda sa zyada careful rehti hu. Amazing, which is good, which is great. Aap at least consider it to dusre insaan ke bare mein, which is amazing. But also tell me, why acting? Why getting into the entertainment industry? Was it always your plan? कि आपका कुछ और प्लान था बट ये हो गया लाइफ की डेस्टिनी जैसे आपने बोला कि ये किस्मत की बात थी हो गया सच में ये हो गया मतलब अपने आप ही चीजें मेरे पास आती रही और आईं तो मैंने वो मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया आई टुक दीज अपॉर्चुनिटीज वेरी पॉजिटिवली मैंने कभी ये नहीं सोचा या क्वेश्चन नहीं किया कि मैं क्यों मैं कैसे मैंने ये सोचा आया है ना देखते हैं जो होगा होगा देखते हैं तो अगेन लीप ऑफ फेथ यू टुक अ लीप ऑफ फेथ आई थिंक दैट इज आवर लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस वाचिंग के समटाइम्स इट्स इंपॉर्टेंट टू रियली टेक दैट लीप ऑफ फेथ एंड प्लंज दैट इज इंपॉर्टेंट एट टाइम्स वी गेट वेरी क्रिटिकल ऑफ आवरसेल्व्स हम ये बोलते हैं यार पता नहीं हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा हम वी ओवरथिंक नहीं अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा यार ठीक है जिंदगी है आगे बढ़ जाएंगे जिंदगी But it's important yeah. to try to make mistakes, and especially for an actor, बहुत मुश्किल हो जाता है. I can understand जब actors बहुत ज़्यादा insecure होते हैं अपने काम को लेके, वो सोचते हैं कि यार कुछ गलती हो गई तो, and they end up not trying new things. But unfortunately, this is the downside of being an actor कि गलतियाँ होती हैं, and you have to take it in stride and इंसान आई थिंक इंसान गलतियों का पुतला है एंड आई थिंक यू शुड नॉट बी स्केयर्ड टू मेक अ मिस्टेक मिस्टेक से इंसान अब सीख भी जाता है बट आई फील लाइक आई थिंक एंड इट ऑल्सो मेक्स मी फील बैड समटाइम्स कि यू नो पीपल इन द पब्लिक आए उनकी मिस्टेक्स बहुत ही ओपनली दिख जाती है बस फर्क ये है बट गलतियां तो इंसान सब करता है मैं करता हूँ कोई बड़े से बड़ा इंसान गलतियां करता है सो आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ द व्यूअर्स वॉचिंग दिस के गलतियां करने से मत डरो यू शुड डू समथिंग इफ यू फील इज राइट इफ दिस थिंग्स डू नॉट एंड अप नाइसली तो वो किस्मत की बात है यू कैन ऑलवेज do something else which is superb amazing I think we should do these Monday motivation talks with Divyanka on your Instagram very very soon I think we should do that also tell me you know you decided you said ki ye bahut hi incident tha kismat ki baat thi ki aap entertainment industry mein aa gaye aur aapne you know ye kaam aapne accept kiya and you did it and touchwood things have been so nice logon ne aapko utna pyar bhi diya but आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन रहता है अब क्योंकि अब उनकी बेटी एक सेलिब्रिटी बन चुकी है यू नो व्हाट इज योर फैमिली लाइक एक्सटेंडेड कजिन्स वगैरह का क्या रिएक्शन रहता है कि मतलब हमें तो कभी एक्सपेक्टेड नहीं था अभी हम टीवी पे देख रहे हैं हाउ वाज इट लाइक दे फील प्राउड ऑफ मी दे आर वेरी स्वीट दे फील गुड नाउ यस बहुत अच्छे हैं थैंकफुली दे फील गुड कोई भी मुझे बहुत ज्यादा मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता ये भी एक अच्छी चीज है Yeah, Divyanka, she should Good. Be there with us at all times. Yeah, she should call us, talk to us. They thankfully understand my obligations, ki main kahan busy hu. They respect it and that's... I should say that I'm blessed that I've got an understanding family. Haan, kai bar ye ho jata, like yesterday, my sister was sharing some videos of my nieces. Un logon ne kuch recipes share ki thi on YouTube. Nice. They're trying new things. Yes. And somebody commented, meri didi ne mujhe bheja tha, ki, अरे वाह आपकी फैमिली में तो सब दिव्यांका की तरह ही टैलेंटेड है सिर्फ दिव्यांका ही ऐसी नहीं है Yes, of course not. I think talented mother like everything yes. zeros down to me unfortunately that's not a good thing sari conclusion sari divyanka ke baat hai like unwanted pressure hai bhai ye to matlab everybody is talented in their own amazing way yeah that is amazing family pe sab bahut acche hai they all are rock stars और मैं उनकी बहन हूँ उनकी मम्मी उनकी बेटी हूँ you know? तो मतलब मैं उनसे बनी हूँ rather I should say that तो amazing of course not the other of course also Divyanka tell me आपने शुरुआत में बोला लाइफ की शुरुआत में कि you know I don't understand कि लोग कैसे कह रहे हैं कि ये क्वारंटीन बुरा है क्योंकि आपने अपने आप को
बहुत ही पॉजिटिवली अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व कर दिया, वेदर इट इज यू नो शूटिंग फॉर अ मूवी इन साइड होम, वेदर इट इज यू नो अंडरस्टैंडिंग अनकहे रोल्स के, कभी खुद आपने बना लिया खाना, कभी यू नो योर हस्बैंड हेल्प्स यू, कभी द हाउस हेल्प हेल्प्स यू, यू ऑल्सो ना रख रखा घर का जो है उसके अंदर आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो, विच इज सो ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग. क्योंकि हम यूजली हमें लोगों को लगता है कि हम जिन लोगों को टीवी पर देखते हैं ना वो लोग बस मतलब दे आर ऑलवेज लुकिंग ग्लैमरस एंड प्रिटी एंड वो कहां बर्तनों को टच करते हैं, बट यू नो ऐसी लाइफ से हमें बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर कि यू नो यू आर ऑल्सो लाइक नॉर्मल पीपल लाइक अस जो कि घर का काम भी उसी डेडिकेशन से करते हैं. बट टेल मी आर यू वॉचिंग एनीथिंग ऑनलाइन दीज डेज, कोई कॉन्टेंट देख रहे हो आप जो आप हमें भी रिकमेंड करना चाहोगे, जो हमें भी नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम या हॉटस्टार पर देखना चाहिए, या कोई मूवीज जो आपने देखी है रिसेंटली जो हमें भी देखनी चाहिए? Let's start with being selfish. पहले कोल्ड लस्सी और मसाला और स्टेट ऑफ सीज सब लोग देख लेना, तब जाके ये लाइफ के बाद सबसे पहले वही करना है सबने. Yes. तो after this selfishness, मैं बहुत सारे शोज देख रही हूँ, फिल्म्स देख रही हूँ. For example, मेरी लेट अच्छा, I've just restarted with Money Heist. मैंने सिर्फ थर्ड या फोर्थ एपिसोड छोड़ दिया था और सबने You want to start properly. सबने इतनी तारीफें की है इसकी, तो मैं भी अब सोच रही कि मैंने क्यों छोड़ दिया था बीच रास्ते, कुछ तो इसमें. सो आई एम वॉचिंग दैट शो. बिसाइड्स दैट आई वाज वॉचिंग आउटलैंडर, देन यार मैंने बहुत शोज देख लिए, अभी तो नाम भी याद नहीं आ रहे. बट ठीक है, मतलब आई थिंक वी हैव अ कपल ऑफ रिकमेंडेशंस. मनी हाइस्ट तो सबको देखना चाहिए, इनफैक्ट लाइक यू ऑल्सो मैंने भी तीसरे एपिसोड में छोड़ दिया, देन एवरीबॉडी इज लाइक You have not watched it, you have not watched it. ये तो तुमने मिस कर दिया बहुत बड़ा कॉन्टेंट. तो I'm like, अब मैं अच्छे से ढंग से शुरुआत करूंगा, शुरू से उसको देखना जब तक खत्म नहीं हो रहा, which is amazing. Living with myself, the Ant-Man hero, I think यही नाम है, living with myself, try searching for it, ऐसी कुछ है, approximate नाम. Okay. Wonderful. Okay. ये I think wonderful, amazing. लेकिन कमाल की सीरीज है, must watch. And also, Divyanka, tell me. एक्टिंग वॉज इंसिडेंट, तो इतनी अच्छी एक्टिंग फिर सीखी कि अंदर से ही आती है, यू एक्ट फ्रॉम योर इंस्टिंक्ट्स, लाइक डिड यू टेक अ ट्रेनिंग? बिकॉज मुझे लगता है कि लाइक यू सेड कि किस्मत की बात है, तो फिर ऐसी एक्टिंग तो मतलब मेरे को लगता है ये तो जीन्स में ही है, कैसे ही आती है ये एक्टिंग, आई डोंट नो. सो देवर जस्ट वर्कशॉप्स विच हैपेंड जस्ट बिफोर माई शोज, लाइक दुल्हन की जस्ट पहले मेरी कुछ वर्कशॉप थी विथ एक मुकेश जाधव नाम के एक थिएटर एक्टर थे, उन्होंने मुझे पहले ट्रेन किया था लाइक फॉर 15-20 डेज. देन पार्थो मित्रा घोष जो कि अभी मोहब्बते में भी हमारे डायरेक्टर थे, वो दुल्हन में मेरे डायरेक्टर होते थे. सो पार्थो दादा ही टॉट मी अ फ्यू थिंग्स, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड. तो मेरी बस वर्कशॉप्स ही हुई है अब तक. इवन मोहब्बते के पहले आई इंसिस्टेड कि मुझे एक वर्कशॉप चाहिए, तो मैं बस मिनी वर्कशॉप्स देती हूँ. बट माई वे ऑफ एक्टिंग इज ऑल अबाउट, I think your training is on the job. Every day, it's on the job. जितना करते रहोगे उतनी आपको और अच्छे से आता रहेगा. And मुझे मेरे लिए important है that I feel it. इसलिए मुझे थोड़े in fact advertisements मुझे थोड़ा ज़्यादा time लगता है उन्हें absorb करने के लिए. If I do advertisements, because of course advertisements are very prompt, precise. And yes. When we watch serials, yes. It goes in a flow. आपको story का flow पता होता है पूरा. दिव्यांका त्रिपाठी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कैरेक्टर दैट आई प्ले एनी कैरेक्टर. मैं वो कैरेक्टर टोटली बन जाती हूँ तब दिव्यांका याद नहीं आती मुझे कि वो कौन है. आई थिंक दैट इज अमेजिंग एंड सो गुड. आई थिंक जो भी एस्पायरिंग एक्टर्स भी अगर वो सुन रहे हैं तो यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि यू फील इट, इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट, एंड दैट्स व्हाट You know, she does. She's not playing Divyanka. She's playing the character on screen, which is absolutely amazing. Also, before we wrap this up, Divyanka, मैं आपसे, you know, मैं हर अपने viewer से और अपने हर guest के साथ, जिनके साथ भी ये live conversation, अब वापस बोलेंगे? Yes, yes, yes. I'll repeat. So, मेरे जितने भी guests रहते हैं live conversation के लिए, मैं उनसे एक common सवाल जरूर पूछता हूँ, because I think it ends the live conversation on a very positive, inspiring note. यू नो हम सब ने कोई ना कहीं कोई लाइन पढ़ी होती है किसी किताब में, या कभी किसी ने हमें कुछ कहा होता है, वो एक लाइन, एक थॉट या एक कोट हमारे ना जहन में रह जाते हैं. इट्स लाइक अ टैटू इन योर ब्रेन कि व्हेनेवर यू फील लाइक यू आर लो और यू फाइंड योरसेल्फ लेस इंस्पायर्ड, तो वो लाइन रियली मेक्स यू इंस्पायर्ड इमीडिएटली कि भाई
यू नो एक ऐसे जिंदगी का एक फलसफा सा एक मोटो आपके लाइफ में रहता है, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके लिए वो थॉट क्या है? मोटिवेशनल तो पता नहीं, लेकिन मेरे जिंदगी का फलसफा है अच्छे कर्म किए जाओ. सो मैं बस कर्माज में टोटली बिलीव करती हूँ, एंड इट्स इम्बाइब्ड इन मी, अंदर है कि अच्छा कर्म करना ही है. द मोमेंट आई फॉल्टर, आई से समथिंग नास्टी टू समवन, और आई डोंट एक्ट, आई डोंट बिहेव वेल, इट रियली प्रिक्स मी हार्ड. बहुत तकलीफ होती है बिकॉज इट्स इन मी, इन माई सिस्टम. आई बिलीव इन कर्म अच्छा किया है तो वापस भी वैसे ही मिलेगा. Then karam, of course, it comes. Whatever you do, matlab do good and be good because it comes back to you. Utna hi multiplied. Bilkul. Bilkul. I think that is super amazing. Philosophies of karma, I believe in them. That is amazing, guys. This was Divyanka Tripathi Daya for all of you. Thank you so much, Instant Bollywood pe aane ke liye. Thank you so much for sparing time. Because I know you are involved in a lot of different places. So, guys, involve yourself into doing something good. Learn from Divyanka. And मैं आशा करता हूँ, and I wish you all the best, and I hope that ये quarantine के बाद you come out healthier and happier with your husband, and you're always smiling like this and coming up with greater, greater, better projects for us to watch. Healthier वाला Indian healthier तो नहीं था ना, क्योंकि मतलब not healthier but healthier from inside, mentally, physically healthier. Healthier is healthier, और अभी हम जिस तरह से खा रहे हैं, Indian. My God, I know. I know, I just, मेरे डैड ने व्हाट्सएप एक मीम भी भेजा था कि देयर इज अ गाय अपने घर के अंदर, वो काफी ज्यादा हेल्दी हो गया और दरवाजा इतना सा रह गया. ही इज लाइक अभी तो थर्ड मे तक है, तो आई एम लाइक ये हालत सबकी होने वाली जो लोग वर्कआउट नहीं कर रहे हैं. बट पनीर भुर्जी और प्रोटीन खाते रहिए, हेल्दी रहिए दिव्यांका, एंड आई विश यू एंड योर फैमिली, योर हस्बैंड, ऑल द वेरी बेस्ट. आई होप यू द बेस्ट इन लाइफ. बहुत सारा प्यार. Thank you so much. Bahut bahut shukriya once again for doing this. And we hope to see you with your husband maybe in the next life sometime. Amazing. Amazing. Jaldi. Yes. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye. All right, guys. The wait was so worth it. Lata Divyanka is such a positive energy to speak to. Love you, Divya. Everybody is saying stay happy and stay safe. Divya, if you're still watching, bahut bahut shukriya. I think it was definitely one of the most positive lives you've done. She's super sorted, and matlab, you know, jis tarike se wo apne thoughts kitne sorted sulje tarike se rakhti hain, I think that is just so inspiring. Jaane se pehle, like I always do, main aap logon ko shout outs dena chahunga. We have Divyanka_brigade. Oh, Divyanka's brigade is here. I am so happy to have talked to Divyanka, and I'm glad ki Divyanka ke fans ne bhi ye live witness kiya, so I'm really happy about that. We have Avnish Dikshit. Hi Avnish. Like I said, main chahunga ki kisi din hum sirf Instant Bollywood ke viewers ke sath live karein, jahan pe I'll add you guys to the live randomly so that we can get to talk to you and get to know you better. We have Malika. Hi Malika. We have Bharti. Hi Bharti, hello. Thanks for this live show. Ankita, this is Ankita Tehlan. Hi Ankita, thank you so much. We have Akanksha Ashivar. Hi Swami. We have Hitarthi. Hi Hitarthi. We have I am Swati. Hi Swati. Me Dhamaka has said, you look so good. Thank you so much. Thank you so much. That's so sweet. Nidhi Jain. Hi. Aryan Roy _S.R. Hi. Hi. What's up? Again, once again, thank you so much, guys, for joining in today. Again, these lives are meant for you. And hum koshish karte hain ki, at least I always try ki lives. Kyunki it's at the end of the day, it's a very... फॉर द लैक ऑफ बेटर टर्म, काफी नेगेटिव वक्त है हमारी पूरी कंट्री के लिए, दुनिया के लिए. यू नो इट्स अ इनविजिबल वायरस दैट इज अटैकिंग अस, सो बहुत जरूरी है कि हम घर पर रहें, और घर पर रहने से ही हम सबकी सेफ्टी है. बट आई नो घर पर रह रहे कि भी कभी कभार व्हेन वी आर ओवर थिंकिंग, व्हेन वी आर
you know, it's been so many days, it can get to your head, it can make you feel slightly negative and uninspired. So my goal always remains that these lies are a boost of energy in your day, are a positive kick in your day. So I try to these interviews, these live conversations, I give you a little bit of insight into the celebrity or the artist that I'm speaking to, and also give you some positivity at the end of it. So thank you so much once again for joining today's live. And I'll see you guys once again with another amazing live very, very soon. Stay updated with Instant Bollywood's post. Aapko pata chalta rahega. Aapke ghar par rahiye. Please ghar par rahiye jab tak ki lockdown hai. Keep washing your hands, sanitizing your hands. Stay hygienic. And we'll get through this. I'll see you guys very, very soon.